जैसे पंछी पर के बिना नहीं उड़ सकते हैं, ऐसे ही सिंगर्स भी म्यूजिशंस के बिना अधूरे हैं। जीतू जी हमारे म्यूजिक अरेंजर हैं और हमारे साथ SMW की शुरुआत से जुड़े हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि ना सिर्फ म्यूजिशंस का तारुफ करवाएं, बल्कि धुन बजाकर अपने फन का मुजाहिरा करें। प्रोग्राम के देखने और सुनने वालों की सेवा में, उनकी खिदमत में ये खादिम नौशाद नमस्ते सलाम अर्ज करता है, कबूल फरमाइए। आराम से है
मुश्किल है
मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। आसान नहीं दिल की ये आग बुझा देना, ये आग बुझा देना। बहुत पे फिर भी
दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया
कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी, मेरी दुनिया कहाँ होगी। ए दिल तुझे कसम है, गुजारना दिल तुझे कसम है, उलपट के रास्ते में, उलपट के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम, बन जाए जान पर भी तो गम से न हारना, गम से न हारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, रोने से कम न हो, हंसकर संवारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो न करना गिला कोई, न करना गिला कोई, जो तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना, उनको पुकारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना,
ना प्रीत किए नावरे
बिना प्रीत किए नावरे नैन हुए बावरे नैन मिले नैन हुए बावरे चैन कहा मोही सजन सावरे नैन हुए बावरे Thank you.
जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। Thank you.
जब जब कृष्ण की बंसी बाजी। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो 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 लाज राखो राखो हे 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 ओ हो अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हद इस इश्क है कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है, इश्क इंतहा है के बंदे को खुदा करता है, इश्क 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 है
जरूरत बाहर की छिड़ गई बात
Hey,
कुछ लुटा के होश में
लुटा के होश में आए तो क्या किया। नसीब प्यार की रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जला ये तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, न सोचा न समझा न देखा न भाला, तेरी बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी हो Thank you.
किशोर कुमार का घर छोड़ मधुबाला बांद्रा में अपने बंगले अरबियन पैलेस में रहने लगी। इस दौर में मधुबाला को सबसे ज्यादा जरूरत थी प्यार और हमदर्दी की, लेकिन किशोर कुमार इस पर खरे नहीं उतरे। इंडस्ट्री के लोग कहने लगे कि मधुबाला की मति मारी गई थी जो ऐसे गैर जिम्मेदार इंसान से शादी कर ली। संगीतकार नौशाद ने तो मधुबाला से यहां तक कह दिया था कि तुम खुद को अलग क्यों नहीं कर लेती। तब मधुबाला ने अपना दर्द शेर में बयां किया था। जब कश्ती साबितो सालिम थी तब साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। परिवार की तंग हालत और गंभीर होती दिल की बीमारी की वजह से आखिरी दिनों में चिड़चिड़ी हो चुकी थी मधुबाला। नादिरा, भारत भूषण और कुछ और पुराने दोस्तों को छोड़ दें तो मधुबाला लोगों से मिलने से भी कतराती थी। तब उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और शरीर सूख कर कांटा। जो मधुबाला खूबसूरती का पैमाना मानी जाती थी वो आखिरी दिनों में आईने के सामने अपना अक्स देखने से भी डरने लगी थी। मधुबाला ने आखिरी दिनों में एक बार दिलीप कुमार से मिलने की इच्छा जताई थी, वो दिलीप कुमार जिनकी एक झलक से मधुबाला के चेहरे पर रौनक छा जाती थी। ये बात उन्होंने दिलीप कुमार की बहन सकीना से कही थी, लेकिन तब दिलीप कुमार उनसे मिलने घर जाने को तैयार नहीं हुए। दिलीप कुमार ने फोन जरूर किया था। फोन पर मधुबाला ने कहा था, मैं जल्द ही अच्छी हो जाऊंगी, तब तुम मेरे साथ एक फिल्म करोगे ना। तब दिलीप कुमार ने रुंधे हुए गले से कहा था, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे साथ एक फिल्म जरूर करूंगा। लेकिन वो दिन देखने के लिए मधुबाला जिंदा ना रही। 23 फरवरी 1969 रात के पिछले पहर जब पूरी बंबई नींद में थी, पूरी रात बेचैन मधुबाला के दिल की धड़कनें चुपचाप सो गईं। 36 साल की उम्र के साथ कुछ अधूरी ख्वाहिशों और कुछ टूटे हुए वादों को समेटे इस दुनिया से रुखसत हो गई मधुबाला।